प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज एक मंच पर नजर आएंगे और इस मंच पर आने के कारण है कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी में बांग्लादेश भवन का उद्घाटन है और उसके साथ साथ कॉन्वोकेशन सेरेमनी है। इन सब के बीच काफ़ी सारी बातें भी होनी है। मैं इस समय हूँ बांग्लादेश भवन के सामने, जिसे 25 करोड़ की लागत से बांग्लादेश के दिए हुए पैसे से बनाया गया है और इन सब के बीच जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा चाक चौबंद है। ये ध्यान में रखने वाली बात यह है कि सिर्फ बांग्लादेश भवन ही नहीं, इसमें जो दोनों प्रधानमंत्री रहेंगे उसके साथ साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रहेंगी, बातें होंगी और काफ़ी सारी बातों में ये भी शामिल होने की बात है कि जो तीस्ता वाटर ट्रीटी है उस पर क्या होगा, उसके साथ साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। अगर ये कहें कि इस बात सिर्फ रोहिंग्या की नहीं बल्कि बाकी सबकी भी होनी है और इन सबके बीच में ये पहला मौका होगा 40 वर्षों में जब मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल का कोई मुख्यमंत्री शांति निकेतन के विश्व भारती यूनिवर्सिटी में स्टेज पर होगा दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ और ये पहला मौका होगा जब कॉन्वोकेशन सेरेमनी में उनको बुलाया गया है। पिछले 40 वर्षों में ऐसा पहली बार हो रहा है और इन सब के बीच में इतिहास रचने को है, क्योंकि न सिर्फ राजनीतिक लड़ाइयाँ रही हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री के बीच में बल्कि काफ़ी सारी ऐसी बातें भी हुई हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि ऊँट किस करवट बैठेगा।